नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त, स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते कि सर आप वीडियोस कैसे बनाते हैं और कहां से बनाते हैं और कैसे क्या क्या एप्लीकेशन, कौन से सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, ये आप थोड़ा सा बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो तो हर कोई बना सकता है, टीचर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, खेती में काम करने वाला कोई किसान हो तो किसान भी बना सकता है, मजदूर बना सकता है, कोई मिस्त्री है बांधकाम का काम करता है तो वो भी बना सकता है, कोई दुकानदार है तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है वो नॉलेज आप वीडियोस बना के आप सारी दुनिया के लिए आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो कुछ भी आपकी लोकल लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, अंग्रेजी में बना सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से जमती है उसी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं। और दूसरा स्पेशली है कि आप वीडियो बनाने के लिए आपका जो कुछ भी फील्ड है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाली फील्ड में अगर आप वीडियोस बनाते हैं, आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है वो नॉलेज शेयर करते हैं तो सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और लोगों को थोड़ा सा काम में आ सकता है। तो आप वीडियो बनाने के लिए हर एक आदमी को, हर एक पर्सन को मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप इसकी बहुत ज़रूरी है। तो मोबाइल पे या टैब पे वीडियोस कैसे बना सकते हैं ये इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल पे वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर पे बनाने के लिए, लैपटॉप पे बनाने के लिए उनका जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो सॉफ्टवेयर अलग रहते हैं, लेकिन मोबाइल पे वीडियोस बनाने के लिए कुछ जो ज़रूरतमंद एप्लीकेशन से एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट होना पड़ता है कि आपके पास एक नॉर्मल कंडीशन का अगर मोबाइल है तो उसमें प्ले स्टोर से आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर लेने की ज़रूरत है, प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर मैं इस्तेमाल करता हूँ, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। और स्क्रीन पे लिखने के लिए जो कुछ मार्किंग करना है, कुछ दिखाना है, कुछ एम्फसाइज करना है, कुछ राउंड करके दिखाना है, तो इसलिए मैं ये ड्रॉ ऑन स्क्रीन, ये ऐसा पेन वाला, ब्रश वाला एक एप्लीकेशन मिलता है आपको प्ले स्टोर पे, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके बाद होता है एक मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो है ये एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है काइन मास्टर, मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ऐसा वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करने के लिए काइन मास्टर, यानी कि फर्स्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करना, उसके बाद ड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन, और वीडियो एडिट करने के लिए काइन मास्टर का इस्तेमाल, इसके बजाय आप पावर डायरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि AZ स्क्रीन रिकॉर्डर से, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये AZ स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो पहले वाला सेटिंग का है, इसमें इसकी जो सेटिंग है, ये सेटिंग आपको अंदर जाके देखनी पड़ेगी, इसका एक स्पेशल वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो भी आप वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये देख के, वो भी वीडियो देख के आप वीडियोज एडिट करना शुरू कर सकते हैं सेटिंग के लिए। उसके बाद ये कैमरा है, ये कैमरा, इसके बाद ये है एक आपके जो कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये बटन दबा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे वाला बटन है, ये जो वाईफाई जैसा बटन है, ये है लाइव सेशन करने के लिए। अगर आपको लाइव सेशन करना है, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जहाँ भी कहीं से आप, अगर आपको आपके व्यूवर्स के साथ, आपके सब्सक्राइबर्स के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करना हो, करना पड़ता है, तो ये लाइव सेशन में आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट में है ये होम टैब, ये सब के एप्लीकेशंस में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशली AZ स्क्रीन रिकॉर्डर कैसा इस्तेमाल करते हैं इसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आप वीडियो बना देख के आप वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है, वो है ड्रॉ ऑन स्क्रीन, अभी मैं चालू नहीं किया था, अभी चालू कर रहा हूँ इसे। तो ये आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाके ड्रॉ ऑन स्क्रीन ऐसा अगर आप टाइप करेंगे तो ये जो आइकॉन है ऐसा ब्रश वाला, ये आइकॉन आपको मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ऐसी, इंस्टॉल करने के बाद अगर आप ओपन करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है ये आपके साथ टैब, डिफरेंट टैब आ जाएंगे। तो दोस्तों, बॉटम से देखते हैं, एक यहाँ एग्जिट होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके इसमें अगर आपको कुछ सेटिंग करना है, यानी कि ये रीडू का यहाँ बटन है, अगर यहाँ आप अंडू का भी बटन, अंडू रीडू का बटन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद ये है जो कुछ भी आपने लिखा है ये डिलीट करने के लिए, देखो मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ अब लिख रहा हूँ, समझो ये मैंने लिख रहा हूँ, तो ये डिलीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद मैं ये जो नीचे वाला जो आई बटन है, आई का जो एक सिंबल दिया है, अगर इसको छिपाना है, जो कुछ भी आपने लिखा है इसको अगर आप छुपाना चाहते हैं तो इस तरह से ये आई बटन पे प्रेस करके आप छुपा सकते हैं, देखो ऐसा। और इसको बाद में भी आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों, देखो जो रीडू, उसके बाद ऊपर एक मैं ऐसा एक इरेजर का बटन है, देखो ये इरेजर का बटन, इसकी मदद से आप इरेज कर सकते हैं। और उसके ऊपर है एक ब्रश है, ये ब्रश अगर आपको ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश के हिसाब से आप ब्रश का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। देखो ये मैं लिख रहा हूँ, पेन जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर है एक कलर का है, ये देखो कलर के साथ कलर चेंज करना वगैरह आप अच्छी तरह से वीडियो एडिट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो कैसा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल पे। और मोबाइल पे रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ एक छोटा सा आइकॉन रहता है, इसके ऊपर अगर आप डबल टैप करते हैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होती है। और रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद आप इसे काइन मास्टर में ले जाके काइन मास्टर में ओपन करके आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये रहा काइन मास्टर, ये भी आप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये यहाँ क्लिक करके, ये लेयर है, ये मीडिया है, ये आपको पहले इसमें मीडिया लेना पड़ता है, समझो मैंने ये मीडिया ले लिया। उसके बाद आपको चाहिए, देखो तो दोस्तों इस तरह आप जो कुछ भी रिकॉर्डिंग करे वाली आपकी जो कुछ भी फाइल है वो आप काइड मास्टर में ओपन करके उसे आप अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। और आपको कुछ वॉइस उसमें डालना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा फोटोज़ डालनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अंदर डालना है, म्यूजिक डालना है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैंने मोबाइल पे वीडियोस बनाने के लिए कौन से एप्लीकेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण कौन से रहते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों ऐसे एप्लीकेशंस लेके मोबाइल के जरिए आप अच्छी तरह से वीडियोस बना सकते हैं और अच्छी सी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों अक्सर आपको अगर अगला वीडियो बनाना है तो अगला वीडियो देखना है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और ये वीडियो आपको सही में अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और आगे आने वाला वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ड्रॉ ऑन स्क्रीन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके सेटिंग्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसलिए मैं आपका धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।